हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रहर, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो, और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M10 एस के बारे में। सो इस फोन को मैंने परचेस किया था अक्टूबर 2019 के अंदर, और 30 अप्रैल को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों यूट्यूब के ऊपर, जो कि मेरा जो सैमसंग M10 एस की स्क्रीन है दोस्तों, स्क्रीन ब्लेडिंग इशू हो रहा था, जो स्क्रीन है स्टार्ट नहीं हो रहा था। सो आफ्टर 1 मंथ जब लॉकडाउन खुला, अनलॉक 1 हुआ, तभी दोस्तों मैंने सर्विस सेंटर से, सैमसंग के ऑथराइज सर्विस सेंटर से जो स्क्रीन का इशू था उसे फिक्स किया है, और जो सैमसंग मेरे को चार्ज किया है 3,200 रुपीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, लगभग मान के चलो 3,300 रुपीज़ के आसपास मुझे सैमसंग की तरफ से चार्ज किया गया है फॉर स्किन रिप्लेसमेंट। सो मेरा जो स्किन है दोस्तों टोटली यहाँ से टूट गया था, और स्किन ब्लीडिंग हो रहा था, व्हाइट ब्लीडिंग हो रहा था। उसके लिए मैं वीडियो देखो, इस वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, स्किन ब्लीडिंग का इशू जो है, व्हाइट स्किन ब्लीडिंग का, इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। उसमें मैं बताया हूँ दोस्तों, जो मेरा जो फोन का स्किन था, देख पाओगे नीचे यहाँ पर टूट गया था, पर अभी दोस्तों जो फोन है वो यहाँ पर लगभग 1 मंथ के बाद मैंने सर्विस किया, रिपेयर किया, उसके बाद फर्स्ट क्लास चल रहा है। बट एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, जो स्किन अगर आपका टूट जाता है, इवन आपका फोन वारंटी के अंदर होगा, फिर भी दोस्तों आपका जो फोन है, फोन का स्किन अगर टूट जाएगा, आपको दोस्तों पे करना होगा। अगर आप वाटर डैमेज लोगे, स्किन डैमेज लोगे, फिर भी आपको पे करना होगा। इवन अगर आपका पीछे का ग्लास फोन है, ग्लास स्किन, ग्लास बैक अगर आपका टूट जाता है, फिर भी आपको पे करना होगा। अगर आपका स्किन टूटता है, फिर भी आपको पे करना होगा। अगर आपका वाटर डैमेज होगा, फिर भी आपको पे करना होगा। बट जो दोस्तों छोटी छोटी चीजें, जैसे कि अगर माइक का अगर आपको काम नहीं कर रहा है, तो दोस्तों ठीक हो जाएगा। जो इंटरनल इशू है वो दोस्तों सैमसंग के वारंटी के अंदर आती है, बट जो एक्सटर्नल जो यूजर फॉल्ट है वो दोस्तों वारंटी के अंदर नहीं आती है। मतलब स्क्रीन टूट जाना, बैक ग्लास टूट जाना, और वाटर डैमेज। सो इस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आप सर्विस सेंटर जा रहे हो दोस्तों, लगभग आपको 3,000 to 3,500 रुपीज के आसपास स्क्रीन को चेंज करने के लिए पड़ सकता है M10S का। बहुत से डिवाइस है जैसे कि M20, M30, A30, इस सिनेरियो में दोस्तों आपको 4,000 तक स्किन का चेंजिंग कॉस्ट लग सकता है। ये जो स्किन है सुपर एमोलेड स्किन है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्ट इसका ज्यादा है। एज वेल सैमसंग का ऑथराइज सेंटर से मैंने किया है, इसलिए 3,200 रुपीज मुझे पड़ा है। पर एक अच्छी बात हुई है दोस्तों, मेरे जब इस फोन को मैंने खरीदा था दोस्तों, इस फोन का प्राइस था 8,999, मेरे एक ऑफर के तहत दोस्तों खरीदा था अमेजोन से, जिसके तहत मुझे शायद 8,100 रुपीज का आसपास पड़ा था। एज वेल 900 रुपीज का सेविंग्स के साथ साथ वन टाइम स्किन रिप्लेसमेंट भी मिला था एको डॉट टेक के साथ। सो इसलिए मैं दोस्तों इंश्योरेंस में क्लेम करने वाला हूँ। इसका जो स्किन है दोस्तों, स्किन का टूटने, स्किन जो टूट गया है, इसका इंश्योरेंस है मेरे पास, तो इसमें इसलिए मैं इंश्योरेंस में एक्चुअली उसको क्लेम करने वाला हूँ। क्लेम करने के बाद जो मैं 3,200 रुपीज पे किया हूँ, वो मुझे मालूम मिल जाएगा। सो यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है। इसलिए फोन का अगर आप बहुत ही फोन को डैमेज करते हो, बहुत ही राफली फोन यूज करते हो, तो जरूर से इंश्योरेंस कर लेना। मैंने जब इंश्योरेंस किया था दोस्तों, मुझे 1 रुपीज पे नहीं करना पड़ा था, बट यहाँ पर बहुत सारे केस में 1 रुपीज और 800 रुपीज और 1,000 रुपीज पे करना होता है 1 ईयर स्किन इंश्योरेंस के लिए। सो डिपेंड करते हैं दोस्तों आप किस तरह की इंश्योरेंस लेते हो, कितने टाइम के लिए इंश्योरेंस लेते हो। एनीवे मेरे पास इंश्योरेंस है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, मुझे जो मैंने पे किया है वो मुझे मिल जाएगा। सो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। सो छोटा अपडेट वीडियो था मेरी तरफ से, क्योंकि आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे। मेरे पास रियलमी XT है दोस्तों, उसका भी सेम सिनेरियो था, उसका जो स्क्रीन है टूट गया था, पर रियलमी जो सर्विस सेंटर है बहुत ही बढ़िया काम किया हमारे यहाँ पर, मुझे फ्री में रियलमी XT का एमोलेड डिस्प्ले फिक्स करके दिया। बट सैमसंग के केस में ऐसा नहीं हुआ, सैमसंग के केस में मुझे पे करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों मुझे मेरे पास ऑलरेडी स्किन रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी, जिससे कहते हैं इंश्योरेंस थी, इसलिए मैंने किया। वरना दोस्तों 8,000 रुपीज के फोन के ऊपर 3,500 और 3,200 स्पेंड करना क्या सही है, हमें कमेंट करके बताइए आपका थॉट्स। एनीवे छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था मेरी तरफ से, आशा करूँ पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका स्किन टूट जाता है, सबसे पहले दोस्तों ट्राई कीजिए, एक बार इसकी सर्विस सेंटर में जाइए, सैमसंग का ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाइए, वहां पर पूछ लीजिए। उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आता है, तो लोकल जो सर्विस सेंटर होती है, लोकल जो शॉप होती है, उसमें ट्राई करके देखिए। अगर आपको चाइनीज मिलता है और नॉर्मल मिलता है, वहां से कर लीजिए। एनीवे आशा करूँ वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर देना। बाय।